नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल में क्लास 6th, क्लास 9th और क्लास 11th में कितनी सीट्स होती हैं। तो दोस्तों, हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूँ, तो इस टाइम फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं। 21 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और आपको मैं बता दूं कि क्लास 6th का जो एग्जाम है सेंट्रल हिंदू स्कूल का वो 6 मई को कंडक्ट किया जाएगा, जबकि क्लास 9th का जो एग्जाम है वो 5 मई को कंडक्ट किया जाएगा और क्लास 11th का जो एग्जाम है वो 1, 2 और 4 मई को कंडक्ट किया जाएगा। तो पेरेंट्स के बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितनी आ रही है। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों ने तैयारी करनी है उनको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। फॉर्म भरने के लिए 7419992928 पर कॉल करके आप 1000 रुपीज में अपने बच्चे का सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भरवा सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की और उसके बाद में आपको बताऊंगा सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के बारे में। तो अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो लड़कियों के लिए 6th क्लास में सिर्फ 50 सीट्स अवेलेबल है, क्लास 5 में 50 सीट्स अवेलेबल है और अगर लोग बात करें 9th क्लास की तो 20 सीट्स अवेलेबल है। 11th क्लास में अगर मैथ स्ट्रीम की बात करें तो लड़कियों के लिए 17 सीट्स हैं, 11th क्लास में अगर बायो स्ट्रीम की बात करें तो 16 सीट्स है और अगर 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो कॉमर्स स्ट्रीम में 25 सीट्स है, जबकि लास्ट में अगर हम लोग बात करें आर्ट स्ट्रीम की तो 50 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व होती है आर्ट स्ट्रीम में। और आपको बता दूं कॉमर्स और आर्ट्स का जो एग्जाम है वो 1 मई को कंडक्ट किया जाएगा, सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो एग्जाम है। अगर हम लोग बात करें सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की तो यहाँ पे सीट्स की अगर बात करें तो 6th क्लास में 90 सीट्स हैं, जबकि 9th क्लास में बॉयज के लिए 104 सीटें हैं, 104 सीट्स हैं। और अगर मैथ्स की बात करें तो 38+50 यानी 38 सीट्स जो है वो बॉयज के लिए रिजर्व्ड होती है और इसमें 50 सीटें उन बच्चों के लिए जो पुराने ऑलरेडी बच्चे जो सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें 11th क्लास के बायो स्ट्रीम की तो 25 सीट्स है और अगर हम लोग बात करें 11th कॉमर्स स्ट्रीम की तो 13 सीट्स रिजर्व्ड है और आर्ट स्ट्रीम की बात करें तो 12 सीटें सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के लिए रिजर्व्ड की गई है। आगे चलते हैं और 11th क्लास के लिए कुछ नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। पहला पॉइंट क्या बोलता है, 25% ऑफ सीट्स इन ईच स्ट्रीम इन 11th क्लास इन द सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट्स हु कंप्लीटेड थ्रू द स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, यानी 25% जो सीट्स है वो उन बच्चों के लिए रिजर्व है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के लिए जो बच्चे एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इन एडिशन ऑफ 25% सीट्स इन ईच स्ट्रीम इन 11th क्लास सेंट्रल हिंदू बॉय स्कूल 50% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर मैथ्स ग्रुप ओनली। तो सेंट्रल हिंदू बॉय स्कूल की अगर हम लोग बात करें 11th क्लास का तो जो बच्चे बाहर से आते हैं उनके लिए 50 सीट्स जो होती है वो रिजर्व्ड है, 50 सीट्स बाहर वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड है और 38 सीट्स उन बच्चों के लिए रिजर्व्ड है जो ऑलरेडी बच्चे वहां से क्लियर करके आते हैं, इसलिए 38+50 दिया गया है। और आगे लिखा गया है एक्सेप्ट बीएचयू एम्प्लॉय कैटेगरी थ्रू एसईटी, जो बीएचयू एम्प्लॉय कैटेगरी है उनके लिए अलग से सीट्स होती है, उनका सिस्टम अलग होता है। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़े सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की तो 5 सीटें जो होती हैं वो हर स्ट्रीम के अंदर यानी मैथ्स में बायो में और कॉमर्स में और आर्ट्स में रिजर्व्ड होती हैं पेड सीट्स के लिए। तो यानी कोई भी बच्चा अगर पेड सीट में एडमिशन लेना चाहता है जो टॉप मेरिट लिस्ट में आते हैं वो पेड सीट के थ्रू भी एडमिशन करवा सकते हैं। तो पेड सीट्स का जो प्रोसेस है वो आप डायरेक्टली बीएचयू के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। पेड सीट में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस दे करके आप एडमिशन करवा सकते हो, लेकिन पेड सीट के लिए वही बच्चे अप्लाई करते हैं जिनका नाम टॉप मेरिट लिस्ट में आता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड की है सेंट्रल हिंदू बॉयज और गर्ल्स स्कूल की। तो दोस्तों, 21 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 7419992928 पर कॉल करके आप फॉर्म भरवा सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको फॉर्म का लिंक, स्कॉलरशिप का लिंक, बुक्स का लिंक, क्रैश कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इस वीडियो को शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।